जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारें गरीबों के उत्थान के लिए नई नई योजनाएं लाती हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनको पलीता लगाते हैं। ऐसे ही एक योजना है राशन। इस योजना में गरीबों को 2 रुपए किलो में चावल और गेहूं मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, वे भी 10 रुपए से 15 रुपए लीटर के करीब में। योजना उन गरीबों के लिए है जिन पर रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और भी नागरिकों को यह सुविधा मिल जाती है। लेकिन राशन माफिया इस योजना का भरपूर फायदा उठाते हैं, क्योंकि 2 रुपए किलो का राशन 15 रुपए किलो में बिकता है, अर्थात 13 रुपए किलो का मुनाफा। इसमें खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ साथ और भी अधिकारी जुड़े होते हैं, इस 13 रुपए का होता है फिर बंदरबांट। हर अधिकारी के हर राशन माफिया से साठ गांठ है, महीने के लाखों रुपए हर अधिकारी के यहां पहुंचते हैं। गरीब बेचारा भूखा सोता है, क्योंकि लाखों रुपए सैलरी लेने के बाद भी इन अधिकारियों के पेट नहीं भरता। अगर इनका बस चले तो जो गरीब के तन पर कपड़े होते हैं उसको भी यह बेच के खा जाए, क्योंकि इनका पेट कभी भरेगा नहीं। जनता मरती है, मर जाए इनको अपनी कमाई से मतलब। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दा है हर रोज राशन की गाड़ी पकड़ी जाती है, कभी चावल की, कभी गेहूं की, कभी केरोसिन की। लेकिन कुछ पत्रकार बंधु, कुछ राशन माफिया, कुछ अधिकारी इस पकड़े हुए माल को एक नंबर में अर्थात किसी मिल का या किसी सेठ का सो कर देते हैं। समझते हैं जनता मूर्ख है, क्योंकि जब साक्षात देख रहा है सरकारी से लगी हुई है, बोरियों पर सरकारी मुहर लगी हुई है। लेकिन यह अधिकारी गुलाबी कागज के दबाव में कितने होते हैं कि हर चीज को अनदेखा करके भी यह उसे रिहा कर देते हैं। गाड़ी के ड्राइवर का चालान कर सिर्फ उसे जेल भेजते हैं। राशन माफिया का पता नहीं करते, क्योंकि राशन माफिया से पैसे मिल जाते हैं। ड्राइवर को जेल भेजकर अपनी खाना आपूर्ति कर रखी है। यह दिखाते हमने कार्यवाही की। आखिर कब इन अधिकारियों का जमीर जागेगा, कब यह गरीब के हक को मारना छोड़ेंगे। कहां से आ रहे थे भाई? किसका माल है? कौन सी गाड़ी पलटी कर रहे थे? अच्छा, माल कहाँ से भर के लाए हो? सर गैलों से पलटी करा था, मानगढ़ पे। गाड़ी कहाँ की है? मानगढ़। गाड़ी का मालिक कौन है? क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम क्या है? गंगा। तो तुम्हें पता है ना गाड़ी में तुम्हारी 2 नंबर का माल है? पहली बार आये हो? अच्छा, माल कहाँ से भर के लाए थे तुम? ट्रैक्टर में से पलटी कर रहे थे। किस जगह पे? उस पार के बीच में रोड पे। अच्छा, ट्रैक्टर वाला कहाँ का है? मुझे नहीं पता था। आपको नहीं पता है? तो इसमें सरकारी माल है? जी। सरकारी माल है जी। लड़का मुझे जब बताई थी कि ऐसा सी बात है, और मंडी चौराहे पे आके मुझसे मिल लेगा। माल किसका है? माल लक्ष्मण नंबर लगा तो मुझे उन्होंने पता नहीं का माल। तो माल कहाँ ले जा रहे थे फिर? बल्कि तुम्हें कहाँ के लिए पलटी कराया गया? कहाँ जाना था तुम माल लेके? ये कह रहे थे मंडी चौराहे पे आके मैं मिल लूँगा, मैं मंडी चौराहे पे खड़ा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कहा था मंडी चौराहे पे हम मिल जाएंगे, हम बताएंगे कहाँ ले जाना है माल। तो ये माल 2 नंबर का है, आप मानते हैं? तो ये कौन सी जगह की बात है? ये जो गाड़ी पकड़ी है। पकड़ी है। तो किस किसने पकड़ी थी गाड़ी? 100 नंबर वालों ने। 100 नंबर वालों ने जी। इन्हें कैसे पता चला किसमें ये माल है? पता ना सर, हम तो आ रहे थे, गाड़ी लगाई। ये जो राशन की गाड़ी आप लाए हैं, ये कहाँ से कैसे पता चला? हमें इनपुट मिला गुप्त माध्यम से कि यहाँ से एक गाड़ी आ रही है जिसमें राशन भरा है जी। बताया वहाँ से खड़े होकर, तो हम यहाँ से जा रहे थे इवेंट ख़त्म करके थाना हाईवे से जी। तो हमने इस गाड़ी को चेक किया, ये लोग भड़ाभड़ा गए। उन्होंने बताया कि हमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली से राशन फैला कर लूट किया है, और किसी व्यक्ति कृष्णा नगर के का नाम बताया। क्या नाम था भाई? लक्ष्मण था नाम था। बताया कि उसका इसमें माल भरा है, और एक गाड़ी हमसे आ गई थी, संख्या के अभाव में वो गाड़ी निकल गई, क्योंकि मैं अकेला था। तो इसलिए मैं दो गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी भागने में सफल हो गई, एक गाड़ी आपने पकड़ ली। अच्छा, तो इसमें माल चेक किया कि किस तरह के कट्टे या बोरे हैं, क्या हैं? हाँ, ये सरकारी माल है। सरकारी कट्टे या बोरी हैं? बोरी सरकारी कट्टे भरे हैं गेहूँ के। तो अभी आप ये कहाँ लेके जाएंगे? अभी तो हाईवे थाने लेकर जाऊँगा मैं, कंट्रोल के माध्यम से बता दिया है, उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। अभी तो हाईवे थाने लेकर जा रहा हूँ कार्रवाई के लिए।
तो करीब माल कितना होगा? लगभग माल होगा इसमें लगभग कितने कट्टे माल है भाई इसमें? 40 कट्टे माल है। तो आप कौन कौन थे? आपका शुभनाम? मेरा शुभनाम कॉन्स्टेबल अजीत सिंह लोक। और साथ में कौन थे आपके? साथ में एक हमारे ड्राइवर हैं, होमगार्ड लखासी। अच्छा, आपकी गाड़ी कौन सी है? PRV 1900 से है। अच्छा, तो थाना हाईवे इंस्पेक्टर को सूचना गई आपकी? नहीं, मैंने कंट्रोल सेट के माध्यम से बताया तो पूरे जिले ने सुन लिया होगा, उच्च अधिकारियों ने भी सुना होगा, थाने ने भी सुना है, क्योंकि कंट्रोल रूम ने बताया, फिर बाद में रिप्लाई किया उसको थाने पर, बता दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई करें। आप साथ थे? जी। शुभनाम? लखासी। अच्छा, कैसे स्थिति थी गाड़ी की? गाड़ियाँ बहुत स्पीड में थी। अच्छा, काफ़ी पीछा किया वहाँ फ्रंट पे हम खड़े थे। अच्छा, वहाँ हमने देखा कि ये गाड़ियाँ जब जा रही हैं निकल के, भाग देखा हमने, गाड़ी हमने लगाई पीछे से, हमने रुकवाया तो एक तो भाग गई, वो नहीं रुक पाई। तो गाड़ी पकड़ने में कोई पुलिस से कोई बदतमीजी किसी प्रकार की किसी ने? नहीं, बदतमीजी नहीं कर पाई, ड्राइवर अकेला था। अच्छा अच्छा, पुलिस कम होने के अभाव में दूसरी गाड़ी निकल गई है। हाँ। ठीक ये नहीं।